टी20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें 2021 की, हाँ तो काफी कम वक्त इस वक्त रह चुका है टी20 वर्ल्ड कप के लिए, और कहीं ना कहीं सारे ग्रुप्स डिसाइड हो चुके हैं, कौन किस ग्रुप में होना है, कौन क्या किसके मैचेस किन के साथ होने हैं, ये सब कुछ डिसाइड हो चुका है, आईसीसी ने रिलीज कर दिया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एसोसिएट टीम्स की, जी हाँ एसोसिएट टीम्स की अगर हम बात करें, तो उनको पहले राउंड वन क्लियर करना होगा ताकि वो सुपर 12 तक पहुंचे, यानी राउंड 2 तक पहुंचे, जो सुपर 12 टीम्स के बीच में होना है। राउंड वन में भी ग्रुप्स डिसाइड है, जी हाँ काफी ग्रुप्स है, राउंड वन में भी ग्रुप्स डिसाइड है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आज हम ग्रुप ए के बारे में पहले बात कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रुप बी के बारे में भी सारी जानकारी देंगे। ग्रुप ए में जो टीम्स हैं वो है श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड्स और नामीबिया। जी हाँ, तो यहाँ पे दो एसोसिएट टीम्स हैं, इसलिए आप देख सकते हैं नीदरलैंड्स और नामीबिया। इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर इनमें से किसके चांसेस काफी हाई है, किसके चांसेस बेटर है कि वो सुपर 12 में अपनी जगह बना सकता है, क्योंकि याद रखिए दोनों ही ग्रुप से दो दो टीम्स जाएंगी, तो दो पायदान कहीं ना कहीं खाली है। देखना होगा कि ग्रुप ए में से कौन सी टीम जाती है। सबसे पहले बात कर लेंगे हम नीदरलैंड्स के बारे में, आइए जानते हैं कि नीदरलैंड्स के कितने चांसेस हैं और उनके अब तक के रिकॉर्ड्स क्या कुछ कहते हैं। देखिए बिल्कुल बड़ा प्लेटफॉर्म है नीदरलैंड, बड़े प्लेटफॉर्म पे खेला भी कहीं ना कहीं, इस बात की तो आप थोड़ी बहुत आदत है कि बड़े प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा कैसा परफॉर्म अपने आप को चेंज करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर हम मैचेस की यहाँ थोड़ी बात कर लें कि 80 मैच उन्होंने खेले हैं, इसमें 41 जीते हैं और 34 हारे हैं, तो कहीं ना कहीं जीत ज्यादा है और हार भी तकरीबन करीब करीब बराबर है, लेकिन 6 मैच का फर्क है। पर जो जैसा कि मैंने कहा कि नीदरलैंड को एक्सपीरियंस है बड़े प्लेटफॉर्म का, जो पहले भी और प्लेयर्स भी है यहाँ पे जो वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत एक्स फैक्टर होगा नीदरलैंड। जी हाँ, नीदरलैंड की एडवांटेज भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने काफी क्रिकेट खेली हुई है, काफी पुरानी वो टीम है और इस तरह के बड़े स्टेज में और बड़े टीम्स के खिलाफ भी उनके मैच कहीं ना कहीं हुआ है, मुकाबले नामीबिया के। जी हाँ, नामीबिया के मुकाबले की यहाँ बात करें, क्योंकि इस ग्रुप में नामीबिया और नीदरलैंड्स की टीम ही है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि नामीबिया, जी हाँ नामीबिया जो टीम है, आखिर इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है और आखिर इनके कितने चांसेस हो सकते हैं, इनकी क्या एडवांटेज है नीदरलैंड्स के मुकाबले जो इन्हें इनसे बेटर करती है। बिल्कुल, देखिए नामीबिया की अगर हम बात करें तो यहाँ नामीबिया ने 19 मैच खेले हैं अभी तक T20I में और 15 मैच जीते हैं, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो बहुत शानदार है। लेकिन ये रिकॉर्ड एक्चुअली में वनुआटू, युगांडा टीमों के खिलाफ, पपुआ के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ या ओमान वगैरह के खिलाफ, स्कॉटलैंड के खिलाफ होते तो और अच्छा ये रिकॉर्ड हो सकता था। लेकिन देखना होगा, क्योंकि एक बात तो यहाँ साफ है कि नामीबियन प्लेयर्स को खेला कम गया है, देखा भी कम गया है और खेला भी कम गया है, कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा इनका जो एक्स फैक्टर है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि श्रीलंका हो या बांग्लादेश का, माफ कीजिएगा, आप आयरलैंड को भी देखें, तो अभी तक इन्होंने खेला नहीं है, बहुत बहुत बड़ा एक्स फैक्टर होंगे नामीबियन के प्लेयर। या कहीं ना कहीं जैसे कि हमने अपने बातचीत में ये कहा था कि ये छुपा रुस्तम हो सकते हैं, जी हाँ कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लगेगा नहीं, अरे क्या है, तो बच्चों अच्छे देशों को हरा के आए हैं, इनका रिकॉर्ड तो ऐसे ही बन गया, 19 में 15 मैच जीते हैं, ये कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन यही चीजें होती है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और पता चला कि इस ग्रुप से श्रीलंका, आयरलैंड या में से एक और नामीबिया चले गए, जब ये चले जाएंगे अगर गलती से चले जाते हैं टॉप 12 में, तो फिर सारी जो टीम्स है बाकी जो मजाक उड़ा रही थी इन टीम्स का या कुछ नहीं समझ रही थी, हाथ मलते रह जाएंगी। ऐसा पास्ट में भी कई बार हुआ है और आगे भी हो सकता है। नामीबिया की अगर हम बात करें तो वो छुपा रुस्तम निकल सकते हैं कहीं ना कहीं इस ग्रुप में, इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया सकता, बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई मैच छोटा बड़ा नहीं है, जब आप खेल रहे होते हैं तो पूरे का पूरा मैच वो इंपॉर्टेंट और सीरियस और इंटरेस्टिंग बड़ा होता ही है, और हर मैच यहाँ पे आपको टफ ही मिलेगा, चाहे वो नीदरलैंड्स से बात करें। नीदरलैंड्स की अगर थोड़ी सी और आप बात कर लें, नीदरलैंड्स में आप क्या कुछ देखते हैं, डिसएडवांटेज क्या कुछ हो सकता है, कि उनका किस क्या वजह हो सकती है कि नीदरलैंड्स नहीं पहुंच पाएगा सुपर 12, अगर नहीं पहुंचा तो? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उनकी बैटिंग में यूनिटी नहीं साफ है, क्लियर, कभी स्टीफन मार्श पर चलते हैं तो कभी स्कॉट एडवर्ड चलते हैं, कभी मैक्सवेल आउट चलते हैं तो कभी बैन कूपर चलते हैं, यही प्रॉब्लम है। कभी आप उनकी इकट्ठी बैटिंग नहीं देखेंगे कि तीन चार प्लेयर साथ साथ चले, ऐसा तो बहुत ही कम होता है नीदरलैंड्स की तरफ से, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है। और कहना नहीं लगता है कि आयरलैंड का जो खराब परफॉर्मेंस होगा, अगर हुआ
आयरलैंड अगर खराब परफॉर्मेंस करेगा ना तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा नीदरलैंड या नामीबिया को इसका सीधा फायदा मिलेगा, सीधा फायदा बिल्कुल मिलेगा। और मुझे लगता है डबल डोर होगा आयरलैंड को लेकर, डबल डोर तो पक्का होगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं आयरलैंड को देखना होगा क्योंकि आयरलैंड की बैटिंग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस वक्त डबल डोर है, ये तो हमें मानना होगा। बॉलिंग उनका बैटर कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने नामीबिया को खेला भी नहीं। जी हाँ, नामीबिया तो वो एक एडवांटेज तो नामीबिया के पास है ही। जैसे कि हमने कहा एशिया टीम्स को आप कमतर नहीं आ सकते क्योंकि वर्ल्ड स्टेज है, वर्ल्ड स्टेज में कोई मैच छोटा बड़ा नहीं है। आपको खेलना होगा 2007 में इंडिया ने यही गलती करी थी और उसका खामियाजा भुगता गया था। कहीं ना कहीं ये चीजें होती रहती हैं और जब ये टीम्स आपको हरा के ऊपर चली जाती है तो आपकी जो बदनामी होती है वो तो बहुत ही अलग लेवल की होती है। लेकिन इन टीम्स की जो तारीफ होती है और ये उन लोगों के खास करके मुंह पे कमा चाहता है जो लोग ये सोचते हैं तो बेकार टीम है ये थोड़ा पहुंचेगी। तय है लोगों की माइंडसेट भी ऐसी, तो छोटे और बड़ी टीम का जी हाँ जो आया है राउंड वन जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लोगों की माइंडसेट में ये चेंज अप होते कि नहीं ये छोटी टीम है ये बड़ी टीम है, इन छोटी टीमों का मैच कौन देखेगा, कौन देखेगा, यही दिक्कत है। इसी वजह से भी इसको पाटा गया है कि राउंड वन राउंड टू करके चीजें रखी गई है, ये सोचने वाली बात है। खैर जो भी हो, जैसे कि हमने बताया आपको नीदरलैंड्स और नामीबिया के काफी अच्छे चांसेस हैं ये पहुंचने के, लेकिन इनमें से अगर एक टीम चुनना हो यहाँ कि मान लीजिए श्रीलंका अलमर से एक टीम पहुंची है, नीदरलैंड्स नामीबिया में से अगर आपको चुनना हो एक टीम कौन सी होगी आपके साथ? बिल्कुल देखिए मैं यहाँ पे मेरा बहुत ही क्लोज है, मैं सीधा बता रहा हूँ, पर 55% नीदरलैंड। लेकिन मुझे नीदरलैंड से इतनी ढेर उम्मीद नहीं है कि एकदम नीदरलैंड क्वालिफाई कर जाएगा, ऐसी गारंटी नहीं दे सकता, पर मैं 45 में नामीबिया को दे रहा हूँ। आप क्या? जी हाँ, मैं अगर चूज करूँ तो मुझे लगता है कि सच में बहुत है क्योंकि नामीबिया बहुत छुपा रुस्तम हो सकती है, उनको ज्यादा लोगों ने खेला नहीं है। नामीबिया एक अच्छी बेहतर टीम हो सकती है। चलिए मैं डिप्लोमेटिक नहीं होता हूँ, मैं सीधा कहता हूँ मेरा 60% नीदरलैंड होगा और 40% नामीबिया। लेकिन 40% नामीबिया भी बहुत बड़ी बात है, 45% आपने दिया। कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि पब्लिक आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इन दो में, सिर्फ इन दो की बात कर रहे हैं, राउंड ए की बात कर रहे हैं, ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, इनमें से इन दो टीमों में से आपको कौन सी टीम के ज्यादा चांसेस लगते हैं सुपर 12 में जाने के, क्योंकि दो टीम्स को तो एक ग्रुप से जाना ही जाना है। तो आपके हिसाब से कौन सा हो सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला वीडियो जो आएगा वो ग्रुप बी के बारे में बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टीम्स है वहाँ पे, स्कॉटलैंड, ओमान और पीएनजी, जबरदस्त वहाँ पे देखना होगा किस तरह से टीम्स के चांसेस हैं, क्या कुछ होगा, उसमें सारी बातें करेंगे इस वीडियो के बाद। वो वीडियो भी नेक्स्ट आने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, लगातार क्रिकेट अपडेट्स यहाँ आपको मिलती रहती है। कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा।